हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुखम करोति वांचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज का सत्र का टाइटल दिया है मैंने, ह्यूमिलिटी इज की टू सक्सेस एंड एटीट्यूड इज की टू डिवोशन। श्रील प्रभुपाद के ये वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था शिक्षाष्टकम का श्लोका नंबर 2, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षाष्टकम श्लोका नंबर 3। तो शिक्षाष्टकम श्लोका नंबर 3 क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि, है ना। इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकता है, है ना। मनस्थिति यानी एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये की टू सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा जप में मन नहीं लगता, मतलब मेरी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, मैं क्या सोचूं। सो दिस इज द एक्चुअल वर्ड्स, ये एक्चुअल श्लोका है शिक्षाष्टकम का, जिससे हम हमारे डिवोशनल सर्विस में और आगे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी मीन्स, हम चलो ह्यूमिलिटी बाद में बताएंगे, लेकिन शिक्षाष्टकम के पहले 2 श्लोक जब भी हमने देखे तो वो हमें संबंध और संबंध के बारे में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध के बारे में बताते हैं। पूरा शिक्षाष्टकम हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताता है। तो पहले 2 श्लोक में हमने शिक्षाष्टकम जो बता रहा है हमें, वो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है, है ना। फर्स्ट श्लोक में बता रहा है हु इज गॉड, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के नाम गुण रूप आली आदि लीला इन सब के इनकी भगवान के नाम की ग्लोरीज क्या है, इसके बारे में बताया गया है। सेकेंड श्लोक में भगवान के नाम हमारी विचार से कैसे परे हैं, मतलब उनकी गुण लीला इसके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि मैं कितना अभागी हूँ कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है और भगवान ने अपनी शक्ति पूरे नाम में डाल दी है, तो भी मेरा भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है, तो मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूं, है ना। अभी ये 3रा श्लोक बता रहा है कि भगवान के साथ अभिधेय, अभिधेय क्या है, यानी अभिधेय मतलब मुझे भगवान के साथ, भगवान के प्रति प्रेम को कैसे बढ़ाना है, है ना, और कैसे जागृत करना है, ये अभिधेय है। तो ये पूरा श्लोक जो है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये जो श्लोका है ये हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है, है ना। हम अभी इसको देखेंगे, इस श्लोक को हम कैसे समझें, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि नाम जप करने के समय हमारे भाव क्या होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम जप करते समय, परंतु नाम जप नहीं कर रहे हैं उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, है ना। एटीट्यूड, भाव मतलब मनोभाव मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड इज की टू डिवोशन, इसलिए मैंने आज का टाइटल ये रखा है। श्री प्रभुपाद बोलते थे एटीट्यूड इज की टू डिवोशन, तो ये लाइन मेरे दिमाग में आई तो मैंने इसलिए आज का टाइटल ये रखा। 9th चैप्टर देखिए भगवद गीता का, तो उसमें भी फर्स्ट श्लोका के 3rd या 4th पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि एटीट्यूड और जो मेंटलिटी है और सिंसियरिटी ऑफ ए डिवोटी, उससे पता चलता है उसका एटीट्यूड, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन सिंसियरिटी एंड द एटीट्यूड ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द डिवोटी। तो मेंटालिटी में क्या क्या आता है? मेंटालिटी में आता है एटीट्यूड, मूड, है ना। एटीट्यूड मूड मतलब कि हम नाम जप करते समय क्या सोच रहे हैं, है ना, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ नाम जप करते समय, और दूसरा मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरा, है ना, बिहेव क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है वो है। और सिंसियरिटी आती है डिटर्मिनेशन, मैं कितना निश्चय हूँ, निश्चय मेरे मन में कितना है भगवान का नाम जप करने का, भगवान के प्रति सेवा करने का, आई वॉन्ट टू डू, है ना। तो मार्ग में कितने भी बाधाएं आ जाए फिर भी मैं भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ूंगा,
है ना, बहुत सारे लोग देखो बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बेड पे भी होते हैं, तो देखो इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। और ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि उनके लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, भगवान का नाम जप करना छोड़ देते हैं। सो एटीट्यूड इज द की, है ना, सिंसियरिटी कितनी है, सिंसियरिटी कितनी है आपके भगवान के नाम जप करते समय, आप कितने सिंसियर हो, ये श्लोका वो बता रहा है। तो कीर्तनीय सदा हरि, जो पहले लास्ट लाइन है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो हम पहले कीर्तनीय सदा हरि उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोका आता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, अनु अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच उत्तम, अनुकूलेन बताया, अनुकूलेन नहीं बताया, अनुकूलेन का मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति वो है जो कृष्ण की सेवा करने के लिए कार्य करे, है ना, हमेशा कृष्ण की सेवा करने के लिए कार्य करे, फेवरेबल टू कृष्णा, है ना, फेवरेबल एटीट्यूड टू कृष्णास डिवोशनल सर्विस, है ना, अनुकूलेन, अनुकूलेन का श्लोक मीन्स के भक्ति के लिए कैसे कार्य करे और उसके पीछे का भाव क्या है, उसको बोलते हैं अनुकूलेन इस श्लोक का, इसलिए उसमें लिखा है अनुकूलेन, अनुकूलेन नहीं लिखा है ना, सिर्फ अनुकूलेन होता तो है ना फिजिकल एक्शन की बात हो जाती, यानी तुम्हारा फिजिकल एटीट्यूड क्या है, लेकिन अनुकूलेन की बात आ रही है यहाँ पे, अनुकूलेन मतलब कि आपके साथ फिजिकली प्लस मेंटली आपका भाव क्या है भगवान का नाम जप करते समय, है ना, भक्ति में शारीरिक कार्य तो महत्व है लेकिन उसके साथ हमारे हमारे हमारा मेंटली एटीट्यूड क्या है, हमारा मूड क्या है भगवान का नाम जप करते समय, है ना, जीवा जीवा को भगवान की सेवा में लगाए चैंट हरे कृष्णा, ठीक है ये तो ठीक है, मीन्स चैंटिंग विथ मेंटालिटी, मेरी मेंटालिटी क्या है भगवान का नाम जप करते समय, है ना, कृष्ण का नाम जप करना किसके किसके लिए कृष्ण का नाम जप किया जाता है, कृष्ण का नाम जप किया जाता है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना, एक एक श्लोका है चैतन्य चरितामृत में कि क्या क्या कहा जाता है कि आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बलि काम और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना, आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा जो अपने लिए कार्य करता है ना, तारे बलि काम वो काम है, वो काम में आता है, वो डिवोशनल सर्विस में नहीं आता, लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अब जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वो क्या हो जाता है कि वो है ना प्रेम है, दैट इज कॉल्ड लव, ठीक है, तो आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बलित काम और कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, ठीक है, ये श्लोका हमें याद भी करना है और इस श्लोका को बार बार मनन करना है ताकि हम याद कर सकें कि मेरी पोजीशन क्या है, व्हाट इज माय एक्चुअल पोजीशन, है ना, मैं कृष्ण के साथ मेरा रिलेशन क्या है, इससे पता चलता है आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, मेरा ये एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये कैसे आएगा, ये आएगा मेरा एटीट्यूड कैसा है, ये सो करने को आएगा, हमें भगवान का नाम जप करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें करना है, ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे कि ना कि हमें नाम जप ऐसे करना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, है ना, ये कीर्तनीय सदा हरि का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसकी बात हो रही है ना, और हम नाम जप करते समय बहुत सारी तकलीफ भी होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, कृष्ण का जो नाम जप है सिर्फ एक भौतिक कार्य समझ कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या होता है, नाम जप करते समय तकलीफ होती है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, है ना, कृष्ण कभी हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम है ना भगवान का नाम जप नहीं कर रहे। एक श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रह इंद्रिया सेवान मुखे ही जीववा दो स्वयं एव स्फुरत इदम, है ना, अपनी जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है और जिह्वा को कैसे सेवा करनी है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के उसका प्रसाद अर्पण करना है, उसको पाना है और उसके साथ साथ क्या करना है, इस जिह्वा से और इस एटीट्यूड के साथ में भगवान का नाम जप करूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हूं, है ना,
आगे आएगा शिक्षाष्टकम के छठा श्लोक, नयनम गलद अश्रुधाराया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। मेरा एटीट्यूड क्या है उस हिसाब से मुझे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है। ये समझना होगा कि मैं जब भगवान का नाम जप कर रहा हूं ना, तो मुझसे पहले भगवान श्री कृष्ण इस भगवान के एज अ परमात्मा शिरोदक्षाय विष्णु मेरे मेरे हृदय में जो बैठे हैं वो इस नाम को सुन रहे है ना, मुझसे पहले भगवान श्री कृष्ण इस नाम को सुन रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो ये नाम को सुन के क्या करते हैं, मेरी आत्मा से बुद्धि को देते हैं, तब जाके मैं उसको अपनी कानों के इंद्रियों से सुन पाता हूं। पहले भगवान श्री कृष्ण उसको सुनते हैं, है ना। तो हमने तीन चीजें देखी, एक क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, और एटीट्यूड मतलब ना सिर्फ भगवान का नाम जप करते समय, परंतु मैं जब भगवान का नाम जप नहीं कर रहा हूं वो समय भी मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। दूसरा, पहले कृष्ण सुनते हैं बाद में मैं सुनता हूं, और तीसरा, भगवान कृष्ण का नाम मैं जप करता हूं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनता हूं, जप करता हूं, ना कि मेरे अपने अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए करता हूं। क्योंकि मैं भगवान का नाम जप करूं और ये सोचू कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऑब्वियसली ये तो साइड इफेक्ट है इसका, इसका डिफॉल्ट इफेक्ट है, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मुझे भगवान का प्रेम पाना है। चैतन्य चरितामृत में आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामत है अशांत। जो निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो शांत रहता है, जो भुक्ति भोक्ति यानी भोग के लिए मुक्ति के लिए कार्य भगवान का नाम जप करता है वो नाम सक्सेसफुल नहीं होता, उसको मुक्ति तो मिल जाएगी, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है वो तो क्या है, जीवन मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है, उसको अलग से किस मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते समय, है ना। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो कृष्ण जो परमात्मा है हमारे हृदय में, है ना, वो सुनते हैं बाद में मैं सुनता हूं, और ये एक शुद्ध भक्त जानता है। जब भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त ये जानता है कि मेरे और हरिनाम के बीच का कनेक्शन परमात्मा है जो मेरे हृदय में बैठे हैं, वो एज अ कृष्ण एज अ मेरे परमात्मा मेरे हृदय में जो बैठे हैं वो पहले सुनते हैं बाद में मैं सुनता हूं। हरिनाम जप करते समय मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, दोनों। चैंटिंग आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, चैंटिंग आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, और आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे, और आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है मैं पूरे दिन क्या कर रहा हूं, है ना। ना सिर्फ नाम जप करते समय, लेकिन जब मैं भगवान का नाम जप नहीं करता हूं तो भी मेरा एटीट्यूड क्या है। पहले हम देखेंगे मैं भगवान का नाम जप करता हूं और मेरा एटीट्यूड सही नहीं है तो भगवान कृष्ण थोड़ी देर सुनेंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर चले जाएंगे तो उनसे हमारा कनेक्शन स्थापित नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ये सोचेंगे चलो मैं इसको आगे बढ़ने के लिए मदद करूंगा, नाम जप में मदद करूंगा, लेकिन वो हमारा नाम सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं जब जप करता हूं मैं भी नहीं सुन पाता हूं भगवान श्री कृष्ण का नाम। ये एटीट्यूड हमारा खराब है बहुत। एक व्यक्ति से जब हम 5 मिनट पहली बार मिलते हैं, 10 मिनट पहली बार मिलते हैं, तो उसके बाद चाल से ढंग से हमें पता चल जाता है, उसकी पर्सनालिटी पता चल जाती है, पर्सनालिटी से उसका एटीट्यूड पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो फिर हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो यार इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखना अच्छा है, ये तो नेगेटिविटी वाला है। तो उसी तरह कृष्ण, जब हम भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं तो मेरा एटीट्यूड क्या है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते समय, मेरा भाव क्या है वो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, और अगर मेरा भाव सही नहीं है तो कृष्ण चले जाते हैं, कृष्ण उस नाम को सुनते नहीं। सो ये हमें ध्यान रखना होगा, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु इसलिए फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमेशा जप कैसे करें, है ना। हमेशा जप करने के लिए हमें क्या करना होगा, कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, और कृष्ण जब तब प्रसन्न होंगे जब हर क्षण जब मैं नाम जप नहीं भी कर रहा हूं और कोई और भी कार्य कर रहा हूं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। अनुकूले न कृष्णेनु से शीलनम भक्ति उत्तम, इसीलिए यह श्लोक है, अनुकूले न कृष्णेनु, मैं ज्ञान और कर्म जो कर रहा हूं उसके अहंकार से ऊपर उठूं, है ना। मैं ये जो चश्मा लगा के बैठा हूं उसके उससे ऊपर उठ के मैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण का नाम लूं, मेरा एटीट्यूड अच्छा हो, तब जाके भगवान श्री कृष्ण आपका नाम सुनेंगे, तब जाके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना, तभी हमारी चैंटिंग सही होगी।
तब मैं पूरा दिन हर क्षण भगवान श्री कृष्ण को याद कर पाऊंगा, है ना। तो हमारे हर क्षण को खुश, हमें हर क्षण कृष्ण को खुश करना है। आज भले मैं जप कर रहा हूं, कल मैंने, आज मैं अच्छे अच्छे तरीके से जप करूं, लेकिन कल मैंने किसी डिवोटी के साथ एटीट्यूड, देखे एटीट्यूड की बात आती है, तो कल मैं किसी डिवोटी के साथ गलत बात कर ली और आज सोचूं मैं भगवान श्री कृष्ण का अच्छे से नाम जप करूंगा, सॉरी वो नाम जप अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड नॉट ओनली जप करते समय, परंतु जब मैं भगवान श्री कृष्ण का जाप नहीं कर रहा हूं और मैं और भक्तों से और लिविंग एंटिटीज से और जीवात्माओं से मिल रहा हूं, तो मेरा एटीट्यूड क्या है, है ना। कीर्तनीय सदा हरि, ये एक्चुअली ये है ना। उसके बाद आता है तृणादपि सुनिचेना। तृणादपि सुनिचेना मतलब हम्बलनेस, हम हम्बलनेस पे बात करेंगे आज थोड़ा, ठीक है। तो सिर्फ चैंटिंग पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, उसके साथ साथ मैं जो हर कार्य करता हूं उसके ऊपर भी मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है ना। जैसे देखो शिशुपाल और कंस आदि भगवान श्री कृष्ण का पूरा दिन नाम लेते थे, लेकिन वो ईर्ष्यावश नाम लेते थे, तो भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते वजाम्यम। तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ ऐसा ही रेसिप्रोकेट किया। तो उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे जिस भाव से मैं नाम लूंगा। तो मुझे ये समझना होगा कि तृणादपि सुनिचेना, है ना, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेना वाला होना चाहिए, यानी जिस भाव में के लिए हमें होना चाहिए कि हर ये भाव बनाए रखने के लिए कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अलग से और तरीके से सेवा करनी पड़ती है, जैसे प्रीचिंग, ठीक है, जैसे बुक रीडिंग। तो उससे मेरे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप होगा, है ना। यहां पर ये पॉइंट बताया गया है कि मुझे ना सिर्फ नाम जप करते समय विनम्र होना पड़ेगा मेंटलिटी से, परंतु जब मैं नाम जप नहीं करता हूं तभी भी विनम्र होगा। तो ह्यूमिलिटी क्या है, है ना, ह्यूमिलिटी क्या है ये समझना होगा। व्हाट इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता तो पहले क्या नहीं है वो समझे। जब कोई नया भक्त होता है तो वो क्या करता है कि मैं जब अच्छे से नहीं कर पाता, मैं शास्त्र पढ़ नहीं पाता, मैं सेवा नहीं कर पाता, मैं प्रचार नहीं कर पाता, मुझे भगवान का नाम जप में रुचि नहीं आ रही है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो नया भक्त ये बोलेगा तो ये ह्यूमिलिटी है। वो बोलेगा मैं पतित हूं, ठीक है, दैट इज ह्यूमिलिटी। बट वो व्यक्ति बिगिनिंग विथ पतित, है ना, जब वो पतित है वो ठीक है, विनम्र है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, लेकिन जब वो आगे बढ़ना नहीं चाहता और हमेशा ये बोले कि मैं पतित हूं, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, प्रचार नहीं है, मैं नाम जप कर नहीं पा रहा, वो अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहा, तो वो है ना पतितना नहीं है, वो मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर ऐसे ही बना रहना चाहता है, वो भक्ति में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सो दैट इज नॉट विनम्रता, है ना। विनम्रता वो है ना, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20th चैप्टर और 22 श्लोका में क्या बताते हैं विनम्रता क्या है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि विनम्रता वो है जो भक्ति के उत्तम पथ पर पहुंचने के बाद भी ये सोचे कि मैं तृण से गिरा हुआ हूं, तृण से भी नीचे गिरा हूं, वो विनम्रता है। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना है मुझे, वो विनम्रता है। लेकिन वो उत्तम पथ उठने के बाद भी ऐसा बोल रहा है, उसे अंदर से तो पता है कि मैं उत्तम पथ पे हूं, परंतु उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी अंदर से भी है कि विनम्रता ये है कि मैं फिर भी पतित हूं, मैं एक एक घास के तिनके की तरह से भी नीचे गिरा हुआ हूं, वो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी वो नहीं है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, है ना। विनम्रता वो है जो जो शुरू में पतित है, परंतु पतित कहके भी पतित है और उसके आगे वो बढ़ता है और फिर उसके अंदर वो एटीट्यूड आता है तो वो पतित हो, वो अपने आप को पतित बोलता है तो ठीक है, वो विनम्र भाता है। लेकिन वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता भक्ति में और हमेशा कहता है, हमेशा कनिष्ठ बना रहना चाहता है और बोलता है कि मैं पतित हूं पतित हूं, दैट इज नॉट विनम्रता। वो भक्ति में आगे बढ़े और वो भाव उसके अंदर आए कि मैं सचमुच में पतित हूं, मुझसे पतित कोई नहीं है, है ना। जैसे जैसे हम्बलनेस इज नॉट अ फुलिशनेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम्बलनेस इज अ फुलिशनेस, नो, हम्बलनेस इज नॉट अ फुलिशनेस, है ना। राजा युधिष्ठिर पांडव के जो राजा थे वो क्या थे, ही वॉज हम्बल बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी क्लेवर,
क्योंकि उन्हें राज्य भी चलाना था, है ना। हमारे षट गोस्वामी देखो, दे वेर वेरी क्लेवर बट एट द सेम टाइम दे वेर वेरी हम्बल, है ना। चैतन्य महाप्रभु के साथ पास एक राजा आए थे, वो जगन्नाथ यात्रा में आगे क्या कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। ही वॉज वेरी हम्बल बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ किंग ऑफ द पुरी, सो उन्हें क्या करना पड़ा था, वो राज्य भी चलाते थे। सो सेवा में हम्बल होना है और ये सोचना है कि मैं हम्बल हूं, बट एट द सेम टाइम ही इज अ क्लेवर ऑल्सो, ही नोज हाउ टू टेक द डिसीजंस, वेयर टू टेक द डिसीजंस, व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन एट द सेम टाइम। उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होना चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस। हम्बलनेस इज नॉट अ फुलिशनेस। बहुत सारे आजकल के युग में लोग बोलते हैं कलयुग में हम्बलनेस मतलब फुलिशनेस। नो, हम्बलनेस इज नॉट अ फुलिशनेस, ठीक है। जो भक्त उत्तम है, अभी यहां पे एक प्रश्न आता है कि बहुत सारे जो व्यक्ति जो भक्त हैं उत्तम है, वो अपने आप को कैसे सोचते हैं कि मैं जो हूं वो सबसे पतित हूं, वो कैसे सोचते हैं। तो वो हमेशा ये मानते हैं कि मैं तिनके से भी नीचे हूं, उसमें अहंकार नहीं आता। वो कैसे है, क्योंकि वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं, वो कृष्ण से आते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं, है ना। वो कृष्ण है जो भक्त को परफेक्ट बनाते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली विनम्रता। वो हमेशा हर वस्तु में कृष्ण का हाथ देखते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी एंड दैट ह्यूमिलिटी इज की टू सक्सेस, है ना। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देता है, वो भगवान कृष्ण को देता है, इसीलिए वो हम्बल है ना। और शुद्ध भक्त समझता है कि उसके अंदर जो भी गुण है वो भगवान की वजह से है, भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से है, है ना। जैसे अर्जुन बोलता है भगवत गीता के अंत में कि नष्टो मोहम स्मृति लब्धा त्वत प्रसादम अच्युतम, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मेरी वापस आ गई है, लेकिन किसकी कृपा से, आपकी कृपा से है भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरे अंदर ये जो स्मृति है वो वापस आई है। त्वत प्रसाद अच्युतम, प्रसाद मतलब कृपा और प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो हमें ये समझना होगा मेरे अंदर ह्यूमिलिटी विनम्रता ये होनी चाहिए। और जो अवगुण है वो ये सोचता है मेरे अंदर जो गुण है वो भगवान श्री कृष्ण के कारण है, और जो अवगुण है उसका वो सिर्फ मेरे कारण है, है ना। वो चैतन्य महाप्रभु श्री भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, अमी तो दुर्जन, मैं तो दुर्जन हूं लेकिन मेरे अंदर जो भी गुण आए वो आपकी वजह से है। वो भजन बहुत ब्यूटीफुल है, मेरा फेवरेट भजन है, ठीक है। तो एक शुद्ध भक्त क्या करता है, नए भक्त को गाइड भी करता है उसको भक्ति में पथ पे ऊपर उठने के लिए, और वो सेवा भाव से करता है। क्यों सेवा भाव से करता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मेरे में विनम्र भाव है तो वो भी आगे विनम्र बने और वो भक्ति में आगे बढ़े, उसमें भी वो क्वालिटीज आए जो कृष्ण से आती है। सो दैट इज कॉल्ड विनम्रता। दृढ़ादपि सुनिचेन, दैट इज एक्चुअली विनम्रता। तो मैंने आपको बताया विनम्रता इज नॉट अ फुलिशनेस। तो हमने एटीट्यूड की बात की, तो कीर्तनीय सदा हरि मतलब मेरा एटीट्यूड भगवान के साथ भजन करते समय और भगवान का भजन नहीं करता हूं वो समय सा एट द सेम टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस अदरवाइज कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट अवर भजन क्रिया, है ना। वो हमें आगे बढ़ाएंगे, वो भी हेल्प करेंगे, बट साथ में मुझे एफर्ट्स भी तो डालनी है ना। दामोदर महीना चल रहा है, एफर्ट्स और कृपा दोनों चाहिए। भगवान कृपा करते हैं लेकिन मैं जब मेरी एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो कृपा एक लिमिट तक होगी, लेकिन जब मैं एफर्ट्स डालूंगा तो वो कृपा क्या होगी, अनलिमिटेड कृपा आएगी भगवान की। फिर वो उस कृपा को हम हमारी झोली में समेट नहीं सकेंगे, अनलिमिटेड कृपा होगी। अब हमारी कृपा कैसी हमारे पास आती, हम ले नहीं पाते, क्यों, क्योंकि मेरी एफर्ट्स नहीं है और मेरी एफर्ट्स में बहुत सारे ये है क्या बोलते हैं अवगुण है। तो एफर्ट्स को शुद्ध बनाना होगा भगवान के नाम जप से। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बाद में आता है तरोरपि सहिष्णुना, ह्यूमिलिटी का एक और एग्जांपल दूंगा। ह्यूमिलिटी मतलब क्या है कि मैं कोई भी वस्तु है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना लूं, इंद्रिय तृप्ति के लिए ना लूं। मैंने बोला ना इंद्रिय आत्म इंद्रिया प्रतिवांछा तार बले धाम, है ना, आत्म इंद्रिया प्रतिवांछा तार बले काम। तो आत्म इंद्रिय के लिए मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु को ना ग्रहण करूं, मीन्स मैं ये हमेशा सोचूं, हमेशा ध्यान रखूं कि जो भी प्रॉपर्टी है ये सब भगवान श्री कृष्ण की है और इसको मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, ना कि मेरे लिए, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन मुंजिता यत् किंचितम जगतिम जगत मा कस्य सुदा ग्रदम कस्य सुदा धना।
है ना, जो व्यक्ति हर वस्तु अपने भोग के लिए लेता है तो हिरण्यकश्यप के साथ उसको कंपेयर किया गया। क्या ईशो उपनिषद का मंत्र है वो, हमेशा है ये हमें उतना ही लेना चाहिए प्रकृति से जितना मेरे लिए है ना कोटा में है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बाकी लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं सब अपने लिए उठाता हूं। एक लालची व्यक्ति को पूरी दुनिया का धन दे दो, पूरे ब्रह्मांड का धन दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं रहेगा, फिर भी उसको कम पड़ेगा, है ना। तरोरपि सहिष्णुना, है ना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, यानी उसको कोई कुछ भी बोले वो सहन कर सके, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे नहीं बोल रहा है, वो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट को बोल रहा है, ये बॉडी को बोल रहा है, तो उसको ये सोच के सहिष्णु होना चाहिए वृक्ष की तरह, है ना। वृक्ष हमेशा फल फूल देता है, तो ऐसे ही हमें सहिष्णु बनना है। तरोरपि सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। अमानी न मान देना, मान की एक्सपेक्टेशंस ना हो, है ना। अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताएंगे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम वे, मान की एक्सपेक्टेशंस ना हो, मैं लोगों को मान दूं, उनको उनका आदर करूं, सबका आदर करूं, सबको मैं अच्छे तरीके से सबकी सेवा कर सकूं, ये मेरा एक्चुअली एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल विनम्रता, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ह्यूमिलिटी पे ही बात कर पाए, ये श्लोक अगर हम करेंगे तो डिस्कस 3-4 घंटे डिस्कस होगा। तो कृपया इस को शेयर करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो है शिक्षाष्टकम को भी अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि ऊपर ऊपर से ये श्लोक हम समझते हैं तो हमें ये लगता है ओके सिंपल श्लोक है, ह्यूमिलिटी लानी है, ऐसा है वैसा है, बट नो, दिस इज वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो हमें इसको समझना होगा इस श्लोक को, और बार बार इस श्लोक को ध्यान रख के उस हिसाब से कार्य करना होगा। तो कृपया इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ज्वाइन से हो सकते हैं। इसमें मेरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो जिसने मिस किया है मैं यूट्यूब चैनल पर डालूंगा इसको कल, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और यूट्यूब से जो भी फ्यूचर में लक्ष्मी आएगी वो गौ सेवा में लगेगी, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगी। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं लोगों को दूंगा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं लोगों को नहीं दे सकता। मेरे पास 5,000 रुपए हैं तो मैं लोगों को 10,000 नहीं दे सकता, मैं 5,000 ही दे सकता हूं। तो मैं ज्ञान इकट्ठा करूं, भक्ति इकट्ठा करूं, भक्तों की सेवा करूं और हरि नाम का जप करूं। मेरे पास हरि नाम है, मैं हरि नाम का जप करूंगा तो इस धन को मैं लुटा पाऊंगा। और हरि नाम का धन ऐसा है, जितना क्या होगा बांटो उतना बढ़ता है, ठीक है। तो हरि नाम के बारे में लोगों को बताओ, हरे कृष्ण महामंत्र को लोगों को जप करना सिखाओ और लोगों का कल्याण करो। लेकिन लोगों को कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करो। बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, बट हम बोलते हैं नो, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, और क्या कीजिए, हरि नाम जप कीजिए, फिर लोगों को हरि नाम दीजिए। उससे सबसे बड़ा, इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं है, है ना। नरसिंह मेहता अपने भजन में कहते हैं, वैष्णव भजन तो तैने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, है ना। पर दुखे दुखी जो होता है वो वैष्णव है। तो बहुत सारे लोगों ने इस भजन का गलत मीनिंग निकाला है। वो शारीरिक लेवल पे सोचते हैं कि यार वो बीमार है, वो क्या भूखा है, उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन आत्मा का खाना कौन खिलाएगा, जो हरि नाम है। आत्मा की इम्यूनिटी कौन देगा, जो हरि नाम है। तो एक्चुअल वैष्णव है जो पर दुखे दुखी, परो उपकार करता है वो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने। एक्चुअली पीड़ जानना वो है, लोगों की पीड़ा एक्चुअली जानना वो है। लोगों को हरि नाम बांटो ताकि वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सके। हरे कृष्णा, कृपया मुझे क्षमा करना जो भी मुझसे भूल हुई हो। मैं अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की सेवा में हूं, मैं इस काबिल हूं नहीं कि इस व्यासासन पे बैठ सकूं, परंतु गुरु महाराज की सेवा है वो करनी है, और अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए मैं करता हूं। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और व्हाट्सएप और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, आपको ज्वाइन होना है कर सकते हैं, और YouTube का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भगवत्पाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया शेयर करें। हरे कृष्णा।